अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिजा और आप देख रहे हैं बिली शेफ किचन। तो आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब की दुआओं की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सुनाएं, फैमिली कैसी है और मौसम आजकल कैसा है? यहाँ तो धूप थोड़ी निकलना शुरू हो गई है, गर्मी का मौसम जो है वो आ गया है समझ ले, क्योंकि अब गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो आज मैं आपके साथ अपने घर की, पूरे घर की वीडियो जो है वो शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने रूम का टूर करवाया था और मैंने आपको कहा गया था कि मैं अपने जो मेरा न्यू घर है यानी कि जिसमें हम अब परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, वो आपको अपना घर सारा दिखाऊंगी। तो ये वीडियो जो स्टार्ट होएगी ये बाहर से होएगी। अब हम मिलते हैं जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक ठाक हैं? मैंने ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। और तो कैसे ठीक है आपकी जी? आज हमारा जेन बना था घर का टूर करवाने का, तो वो आपको दिखाते हैं। आप ऐसा करें, बाहर चले जाएं, मेन गेट से मैं आपको मेन डोर दिखाता हूँ। मेन डोर से जब एंटर होते हैं मतलब हाँ जी, ये आप जो है वो फिर जैसे ही अंदर एंटर होंगे फिर मैं भी इनके साथ होंगी, क्योंकि ऐसे गली में मैं नहीं निकल सकती। तो जैसे ही ये अंदर आएंगे फिर इनके साथ मैं, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ मेन डोर। तो आइए चलते हैं जी। तो ये है जी हमारा मेन डोर, यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन डोर है, ये फ्रंट है। तो ये हमारा गैराज है, ये हमारा गैराज है जी, जिसमें तकरीबन 4 से 5 बाइक जो है खड़ी हो सकती है। ये काफ़ी चीज़ें बड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ चल रही हैं ऊपर। और पहले मम्मा का रूम दिखा, बाकी ये आपको शीजा गाइड करती है। तो ये पहले, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपने मदर इन लॉ और ससर इन लॉ का रूम। तो ये उनका बेड है, ये साथ में चारपाई है, क्योंकि ज़्यादा जो रश है वो मम्मा पापा के कमरे में ही होता है। तो ये मम्मा की अलमारी है, ठीक है। और साथ में इनका वो अब्बू जो है न्यूज़ वगैरह काफ़ी सुनते हैं, तो ये बिस्तर वगैरह एक चारपाई पर इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो ये जो पीछे चारपाई खड़ी हैं ये मेरी और न्यू दुल्हन की हैं, ठीक है। और अब ये है मम्मा पापा का रूम। और अब मैं साथ आपको दिखाती हूँ, ये है बेसन वगैरह, ठीक है। ये साथ में वाशरूम है, वाशरूम अभी रेडी नहीं हुआ। तो इसके साथ ये है जो हमारी न्यू दुल्हन है उसका रूम है। ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वो घर में नहीं है तो उसका कमरा हमने लॉक किया हुआ था। और साथ में ये था मेरा रूम जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ सारा रूम। और इसके अंदर की तरफ है स्टोर, जिसमें सबकी ही पेटियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये हमारा छोटा सा स्टोर है सारा, आप देख रहे होंगे कि इस छोटे से रूम में कितना ज़्यादा सामान जो है वो पड़ा हुआ है। और ये है मेरी अलमारी, बिस्तर वाली अलमारी है मेरी, जिसको पेटी बोलते हैं, बेटा बोल लो, जो कुछ मर्जी बोलो। तो घर छोटा सा है और सामान ज़्यादा है, लेकिन हमने जो है मैनेज किया हुआ है ऊपर नीचे रख के। और यह था मेरा रूम, और इसके साथ में ही है खाला जान है, वो भी हमारे पास ही रहती हैं, काफ़ी ज़यीफ हैं। तो जिन्होंने आपके साथ मक्के की रोटी जो है वो शेयर की थी बना के, तो ये उनका रूम है छोटा सा। ये उनकी छोटी सी अलमारी जिसमें ये मेडिसिन वगैरह जो है वो रख लेती हैं, तो ये उनकी छोटी सी अलमारी है। और ये उनका एक सिंगल बेड पड़ा हुआ है, और साथ में उनकी पेटियां वगैरह पड़ी हुई हैं, और उनके भी वो बिस्तर पड़े हैं, और साथ में ये अलमारी है। और उनका एक बेटा है उनका, उसका ये भाई बूफर शूफर पड़े हैं। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा रूम है उनका, और ये मैं इस तरह ये बना हुआ है। ये एक ये वाला दरवाज़ा है, रूम है, और उसके आगे ब्राइडल का है, नई दुल्हन का, और उसके आगे वॉशरूम, और उसके आगे मम्मा पापा का रूम है। तो साथ में ये देखें इस तरह है। आप कहाँ गए थे? मैं यार उधर ही हूँ। और साथ में ये हमारा किचन है, जहाँ पे अब मैं आपको कुकिंग करती हुई नजर आऊंगी।
ये मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारा घर का टूर, आपको आपने देख लिया होगा, ठीक है जी। तो अब देखिए आपको पसंद आता है या नहीं आता, ये है हमारा छोटा सा घर, और हमें आपने अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा जो घर है आपको कैसा लगा है, जहाँ पे हम रह रहे हैं तकरीबन 15 डे से, और ऐसे ही सीढ़ियाँ जिधर आपने देखी हैं उसके ऊपर सिर्फ एक रूम है जहाँ पे बड़ी भाभी रहती हैं, और उनका रूम मैं पहले फर्नीचर वगैरह आपको दिखा चुकी हूँ, तो साथ में एक वॉशरूम है बस, अभी ऊपर कुछ भी नहीं बना है, और इंशाल्लाह दुल्हन का जो कमरा है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि दुल्हन ने अपना सामान जो है किस तरह सेटिंग किया हुआ है, और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आसम महमूद साहब, आप अपना बहुत सेहत का ख्याल रखा करें, क्योंकि आपकी सेहत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार की भी ज़रूरत है, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होती हूँ। साथ छोड़ के देख लें, अभी मैंने वीडियो जो है वो उसके एंड नहीं लिया था, और अभी से मेरा साथ छोड़ गए हैं, कोई बात नहीं, जब ये वीडियो बनाया करेंगे अपने चैनल के लिए तो मैं फिर ऐसा किया करूँगी। चलें कोई बात नहीं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।